देखिए बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई स्टार्टेड टू टीच यू द लेसन द लेडी और द टाइगर. लेडी और द टाइगर नामक जो पाठ है बच्चों, ये पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था और आप ये देख रहे हैं कि प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 92. पेज नंबर 92 के ऊपर बच्चों आप देख रहे हैं जो पहला पैराग्राफ है अधूरा, इट हैड ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड. जो दूसरा पैराग्राफ है जो इफ़ द एक्यूज्ड ओपन्ड द डोर से शुरू हो रहा है, ये पैराग्राफ भी बच्चों पूरा हो गया था. और जो तीसरा वाला पैराग्राफ है इफ ही ओपन्ड अदर डोर, ये वाली जो ये पैराग्राफ बच्चों मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और इसकी तीन चार पंक्तियां मैंने पढ़ा दी थी. ध्यान दो, इफ ही ओपन्ड द अदर डोर, अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता, लेडी केम आउट, तो एक सुंदरी बाहर निकलती थी. अगर वह दूसरा दरवाजा खोलता था तो एक सुंदरी बाहर निकलती थी. द किंग ऑलवेज चोज द लेडीज हिमसेल्फ, यानी राजा क्या करता था, उन महिलाओं का चुनाव स्वयं करता था. राजा उन महिलाओं का चुनाव स्वयं करता था, अपनी फुल मॉनिटरिंग में करता था, पूरी देखरेख में करता था, किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता था. वो खुद इस बात को देखता था कि आरोपी का जो स्तर है, यानी उसका जो सोशल स्टेटस माने उसका जो सामाजिक स्तर है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और शारीरिक दृष्टि से उसका जैसा रंग रूप है, उसकी कदकाठी है, उसके अद्रूप ही जो है वो उसके लिए एक सुंदर लड़की का चयन करता था. ही इंश्योर्ड दैट वो इस बात को सुनिश्चित करता था कि इज वोज ऑफ द सेम एज, कि इज लेडी वोज ऑफ द सेम एज, अर्थात प्रत्येक महिला उसी उम्र की होनी चाहिए, यानी हम उम्र होनी चाहिए. एंड स्टेशन का मतलब होता है और वह उसी प्रतिष्ठा की होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब बच्चों वह हम उम्र होनी चाहिए और वह हम ख्यात होनी चाहिए. हम ख्यात का मतलब ये हुआ कि बच्चों वह उतनी मशहूर होनी चाहिए या उसका जो सामाजिक स्टैंडर्ड है ना, ऑफ द सेम स्टैंडर्ड यानी सेम एज एंड सेम स्टैंडर्ड की होनी चाहिए. एज द अक्यूज्ड, जैसा कि या जिस मतलब कि जिस उम्र और जिस प्रतिष्ठा से जो आरोपी जो था वो संबंध रखता था. एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन थी बच्चों वो ये हुआ करती थी कि द लेडी दैट वो सिलेक्टेड और द लेडी दैट वो चोज बाई द किंग, अर्थात वो महिला जिसका चयन स्वयं राजा के द्वारा किया जाता था, ये इम्पॉर्टेंट उसकी पहली इंडिस्पेंसेबल कंडीशन ये थी. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल कंडीशन दैट शी मस्ट बी ब्यूटीफुल, यानी वह महिला जिसका चुनाव किया जाना है और तो चल जाएगा, और अगर उसके अंदर किसी प्रकार का ड्रॉबैक है तो वह चल जाएगा, पर यह नहीं चलेगा. उसे कैसा होना चाहिए, उसे खूबसूरत होना चाहिए. एक खूबसूरत औरत को जो उपहार के रूप में या तोहफे के रूप में वह आरोपी को देता था अगर उसे लगता था कि ये निर्दोष है. क्लियर है? आगे द रूल वॉज दैट, और बच्चों कायदा तो ये था कि द अक्यूज वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, और कायदा तो ये था कि आरोपी को उसे शीघ्र विवाह करना होता था, और कायदा तो ये था कि आरोपी को उस महिला से शीघ्र विवाह या शादी करनी होती थी. इट डिडंट मैटर, और इस बात का कोई मतलब नहीं था. इफ ही वो ऑलरेडी मैरिड, चाहे वो पहले से ही विवाहित क्यों ना हो, अगर वो पहले से ही विवाहित है तो ऐसी बातों के कोई माने नहीं होते थे. एंड ही हैड अ फैमिली, अर्थात वो पहले से ही विवाहित है और उसका अपना परिवार है. ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मैटर, इन तमाम बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता था, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता था. ही हैड टू मैरी हर इमीडिएटली, उसे फौरन अपने पुराने जो रिश्ते नाते हैं उन सबको तोड़ करके इस नव युवती से उसे क्या करना पड़ता था, उसे उससे जो है दूसरा विवाह पुनर्विवाह करना पड़ता था और उसी के साथ उसको अपना जीवन बसर करना पड़ता था. और इससे पहले कि उसके जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सबको जो है सब कुछ बुला दिया, यानी बुला देना पड़ता था. नेक्स्ट, द लेडी वॉज अ साइन ऑफ हिज इनोसेंस, और वो महिला किस बात का प्रतीक होती थी, शी वॉज अ सिंबल ऑफ हिज इनोसेंस, यानी वह महिला उसकी निर्दोषिता का प्रतीक हुआ करती थी, उसकी निर्दोषिता या उसकी जो मासूमियत है उसकी मासूमियत का जो है बच्चों निशान हुआ करती थी. सो इफ द अक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर, इसलिए अगर आरोपी पहले से किसी दूसरी महिला से प्यार करता था, किसी दूसरी महिला को प्यार करता था, दैट अदर वाज टू बी फॉरगॉटन, उस दूसरी वाली को क्या करना पड़ेगा, उस दूसरी वाली को भुला देना पड़ता था. इट वॉज द किंग्स वे, ये राजा का तरीका था. बच्चों यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ. देखो, अलाउड द थिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन, अर्थात अपनी डिजाइन के अंदर या अपने प्रारूप के अंदर या अपनी योजना के अंदर किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस या किसी भी प्रकार की दखलंदाजी को वह बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था. किसी भी बात को अलाउ नहीं करता था. टू इंटरफेयर का मतलब होता है बच्चों टू इंट्रूड ऑन, ध्यान देना, ये शब्द है इंटरफेयर, ठीक है,
और बच्चों एक दूसरा शब्द और ध्यान देना, इंट्रूड, दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन बच्चों इन दोनों के अंदर एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है जरा बता देता हूँ आपको। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स, तुम्हें मेरे व्यक्तिगत मामलात में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके साथ तो आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस सुनो, यू शुड नॉट इंट्रूड ऑन माई पर्सनल मैटर्स और ऑन माई पर्सनल अफेयर्स। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो इंट्रूड है ना, इसके बाद में इनका प्रयोग हमेशा गलत और ऑन का प्रयोग हमेशा सही माना जाता है। वैसे अगर आप इसके शुद्ध शुद्ध हिंदी अनुवाद की बात करते हो तो बच्चों इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और इंट्रूड का मतलब होता है, इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना। जैसे आप जानते हो हमारे भारत और पाकिस्तान की हमारी जो बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन है ना, तो ये बच्चों 1070 या इतनी कुछ किलोमीटर लंबी है, और यहाँ से जो पाकिस्तानी जो लोग हैं जो आतंकवादी हैं वो क्या घुसपैठिए के रूप में इधर आते हैं, तो उन्हें बच्चों आप क्या बोलते हो, उन्हें कहते हो आप इंट्रूडर, या फिर आप उन्हें कहते हो इन्फिल्ट्रेटर। जरा ध्यान देना, इन्फिल्ट्रेटर, ये जो बच्चों इन्फिल्ट्रेटर शब्द मैंने लिखा है और या इसमें आर जोड़ दिया इंट्रूडर, तो इसका मतलब होता है घुसपैठिया। घुसपैठिया वह होता है जो हमारी सुरक्षा के जाल को, हमारी सुरक्षा के जाल में से छन करके हमारी सीमा के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर जो सुरक्षा का जाल है उसमें से छन करके जो बाहरी व्यक्ति आतंक फैलाने की नीयत से हैं, दहशत फैलाने की नीयत से इस देश में प्रवेश करता है, ऐसे लोगों को आप इंग्लिश में इंट्रूडर, इन्फिल्ट्रेटर, और हिंदी में आप उन्हें क्या बोलते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं। क्लियर है? और बच्चों जो शब्द है डिजाइन, तो डिजाइन शब्द का मतलब तो बच्चों आप जानते हो, डिजाइन तो डिजाइन है, लेकिन डिजाइन शब्द का मतलब यहाँ पर कुछ और है। जरा देखना आप, ये शब्द है बच्चों DESIGN, डिजाइन। तो द किंग अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन, यानी राजा क्या करता था अपने डिजाइन के अंदर, अर्थात उसके जो प्लान्स थे, क्या थे बच्चों उसके प्लान्स, या कह सकते हो कि उसकी जो स्कीम्स हुआ करती थी उनके अंदर वह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता था, या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अलाउ नहीं करता था। उसकी जैसी प्लानिंग होती थी वह उसी के अकॉर्डिंग काम करता था। और आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन, अर्थात वह अपनी योजना में किसी भी चीज को बाधा के रूप में या हस्तक्षेप के किसी भी चीज को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता था। इंडेड यानी वस्तुतः है, इंडेड का मतलब होता है बच्चों वस्तुतः या सचमुच। इमिजिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, यानी वस्तुतः उस महिला की तुरंत, उस महिला के प्रकट होने की तुरंत बाद, वस्तुतः उस सुंदरी के प्रकट होने के तुरंत बाद, वस्तुतः उस सुंदरी के प्रकट होने के तुरंत बाद, अनोदर डोर मनी वन मोर डोर बीनीथ द किंग ऑफ फंड, यानी राजा के नीचे एक दूसरा दरवाजा और हुआ करता था जो खुल जाता था। वस्तुतः उस महिला के पदार्पण होने के बाद या दृश्य पटल के ऊपर उस महिला के प्रकट होने के ठीक पश्चात क्या होता था, अनोदर डोर और वन मोर डोर दैट वाज बीनीथ द किंग, अर्थात राजा के नीचे एक और दरवाजा होता था, दैट वुड ओपन, जो खुलता था एक और दरवाजा राजा के नीचे खुलता था, एक और दरवाजा राजा के नीचे खुलता था, एंड और क्या होता था बच्चों, एंड आउट केम ए प्रीस्ट, और उसे बाहर निकलता था एक पुजारी, पादरी। हमारे यहाँ तो बच्चों पुजारी और उनके यहाँ क्या, पादरी। आप जानते हैं कि जब मुसलमानों में शादी होती है तो मौलवी क्या करवाता है, शादी करवाता है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो पंडित जी महाराज क्या करवाते हैं, शादी करवाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों ईसाइयों के अंदर जब विवाह होता है तो उनका जो धार्मिक प्रतिनिधि, उनका रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, दैट इज कलर्जी मैन का मतलब होता है बच्चों वो क्या होता है, वो पादरी होता है। और पादरियों में भी बच्चों आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि पादरियों में भी जो सबसे बड़ा पादरी होता है उसको पोप कहते हैं, पोप, ठीक है। और वो जो कैथोलिक चर्च वगैरह जो जर्मनी है ना, जर्मनी में जो सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है रोम, तो रोम के अंदर वह पोप क्या करता है, वहाँ रहता है, और उसको क्या मानते हैं, हम नहीं मानते, वो ईसाई लोग उसको क्या मानते हैं, उसे भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। क्लियर हो गया है? तो इस तरीके से बताया गया कि इंडीड, यानी वस्तुतः इमीजिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, यानी वस्तुतः उस सुंदरी के प्रकट होने के तुरंत बाद, अनादर डोर बीनीथ द किंग, बीनीथ माने अंडर, अर्थात उस राजा के नीचे एक जो दूसरा दरवाजा होता था वो खुल जाता था, एंड आउट केम अ प्रीस्ट, और उसमें से बाहर निकलता था एक पादरी, म्यूजिशियंस और निकलते थे संगीतकार, सिंगर्स और निकलते थे गायक, एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स और निकलता था नर्तकों का एक दल, एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स का मतलब होता है एंड ए ग्रुप ऑफ डांसर्स, अर्थात और नर्तकों का एक दल बाहर निकलता था, इन ए प्रोसेशन, इन ए ट्रेन। ट्रेन का मतलब बच्चों वो ट्रेन नहीं है जो छुक 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 करके आती है, या मेरा ट्रेन से तात्पर्य है डिब्बे के पीछे डिब्बा, डिब्बे के पीछे डिब्बा का मतलब पंक्तिवार या सिलसिलेवार।
तो क्या होता था बच्चों, ये सारे लोग जो है एक सिलसिले की तरह एक जुलूस की मानिंद चलते थे। कैसे चलते थे? इन अ प्रोसेशन, माने एक जुलूस में दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड, एक जुलूस के अंदर वे सभी प्रसन्नता पूर्वक कदम ताल करते हुए चलते थे, एंड सेइंग फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अरेना, और अखाड़े के बीचों बीच खड़े उस जुगल जोड़ी के लिए, और अखाड़े के बीचों बीच खड़ी उस जुगल जोड़ी के लिए वे मंगल गीत गाते थे, शादी के गीत गाते थे, बना गाते थे, ठीक है बच्चों, बना गाते थे, बनिया गाते थे, मेरा मतलब यह है कि शादी के मंगल गीत गाते थे। द बेल्स, अब क्या होगा आगे देखो बच्चों, द बेल्स रैंग का मतलब होता है घंटियां बजती थी, द ऑडियंस शाउटेड, इसका मतलब जो श्रोतागण है वो चिल्ला चिल्ला करके क्या करते थे, इट्स अप्रूवल, यानी जो श्रोतागण है वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी सहमति या अपनी जो रजामंदी है वो देते थे, एंड द इनोसेंट मैन, और वह मासूम या जो निर्दोष व्यक्ति जो सिद्ध हो गया है निर्दोष, प्रेसिडेड बाई चिल्ड्रन, उसके आगे आगे बच्चे चलते थे, स्ट्रीविंग फ्लावर्स, उसके आगे आगे बच्चे फूल बिछाते हुए, उसके आगे आगे फूल बिखेरते हुए, पुष्प बिखेरते हुए आगे आगे बच्चे चलते थे। इन द कपल्स, इन द कपल्स पाथ का मतलब होता है उस नवविवाहित जोड़े के आगे आगे, और उस नवविवाहित जोड़े का जो मार्ग है, उनका पाथ यानी उनका जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर जो है क्या है, पलकें बिछाते हुए, फूल बिछाते हुए, है ना, फूल बिछाते हुए जो है छोटे छोटे बच्चे आगे चलते थे, एंड लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और इस प्रकार से बच्चों को जो दुल्हा हुआ करता था, जो पहले अभी भी बन गया है, कुछ देर पहले तो क्या था, वो मुलजिम था, मुलजिम, और बच्चों अब वो मुलजिम क्या बन गया है, वो एक दूल्हा बन गया, लाडा बन गया है, और वह अपनी नई लाडी को या अपनी जो नई 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 नवेली दुल्हन है उस दुल्हन को अपने घर पर ले जाता था। दिस वॉज द किंग सेमी बारबेरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, अर्थात राजा का न्याय प्रदान करने का यह अर्ध बर्बर तरीका था, उस राजा का न्याय प्रदान करने का यह अर्ध बर्बर तरीका था, यह अर्ध क्रूर तरीका था, एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस एंड इट्स इम्पार्शियलिटी इज क्लियर, अर्थात उसकी निष्पक्षता जो है बच्चों वह तो सुस्पष्ट है, और उसकी निष्पक्षता तो सुस्पष्ट है। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, अर्थात जो क्रिमिनल या जो अपराधी होता था वह ये जान नहीं सकता था कि वह सुंदरी कौन से दरवाजे के पीछे है। ही ओपन्ड व्हिचएवर डोर ही वांटेड टू, अर्थात वह जिस दरवाजे को खोलना चाहता था उसे खोल लेता था, विदाउट नोविंग, बिना यह जाने वेदर इन द नेक्स्ट इंस्टेंट, कि अगले ही क्षण, बिना यह जाने कि अगले ही क्षण वो स्वीट एंड और मैरिड, बिना यह जाने कि ठीक अगले क्षण उसे एक नहर के द्वारा, एक शेर के द्वारा उसे खा लिया जाएगा, या किसी सुंदरी के साथ में उसको जो है पाणी ग्रंथ सूत्र में बांध दिया जाएगा। ऑन सम ओकेजंस, माने किन्हीं अवसरों पर, द टाइगर केम आउट ऑफ द वन डोर का मतलब होता है किन्हीं अवसरों पर वह नहर एक दरवाजे से बाहर आता था, एंड ऑन अदर ओकेजंस, और दूसरे अवसरों पर, इट केम आउट ऑफ द अदर, और दूसरे अवसरों पर बच्चों यह दूसरे वाले दरवाजे से आता था, यानी निश्चित नहीं था बच्चों, कभी वो पहले नंबर के दरवाजे से आता था, कभी दूसरे नंबर के दरवाजे से आता था। इट वॉज नॉट फिक्स्ड, अर्थात ये फिक्स नहीं था, और बच्चों क्या होता था उसका क्रम बदलता रहता था। तो ऑन सम ओकेजंस, यानी किन्हीं अवसरों पर, द टाइगर केम आउट ऑफ द डोर, यानी कभी कभी क्या होता था किन्हीं अवसरों के ऊपर, तो बच्चों नहर जो है वो वन डोर अर्थात एक दरवाजे से बाहर आता था, एंड ऑन अदर ओकेजंस तथा अन्य अवसरों पर, इट गेम आउट ऑफ द अदर, अर्थात वो दूसरे वाले दरवाजे से बाहर निकलता था। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट, इस व्यवस्था में क्या था बच्चों, कोई गवाही नहीं थी, नो वकील, नो दलील, नो अपील, एंड फैसला ऑन द स्पॉट, नो वकील, नो, ये रोलर टैक्स से भी खतरनाक कानून था। रोलट एक्ट के बारे में बच्चों आप इतिहास में पढ़ोगे, जिसका मतलब होता है नो वकील, नो अपील एंड नो दलील, बट फैसला ऑन द स्पॉट। तो बच्चों यहाँ दरअसल कुछ ऐसा ही था कि इस इन दिस सिस्टम, यानी इस मामले में क्या होता था, देयर वॉज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट, यानी दोष के लिए, इस व्यवस्था में दोष के लिए या अपराध के लिए शीघ्र दंड का प्रावधान था, एंड इंस्टेंट रिवॉर्ड फॉर इनोसेंस, और निर्दोषिता के लिए शीघ्र पुरस्कार या इनाम का प्रावधान था। वेदर द अक्यूज वांटेड द रिवॉर्ड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आरोपी है उसे वो इनाम चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो भी जबरन उसको इनाम दिया जाएगा। आपको पता बच्चों, लकड़ारा जब गया तो क्या किया, लकड़ारा जब गया तो बच्चों वो जाकर के नदी के किनारे जाके रोने लगा, क्योंकि जो उसकी कुलाड़ी थी वो कहाँ गिर गई थी, वो नदी में गिर गई थी, नदी में गिर गई थी। तो बच्चों जब वो रोने लगा तो समुद्र का देवता प्रकट हुआ, और उसने उसको पता क्या दिया, उसको कहा कि ये जो सोने की जो कुलाड़ी है, बताओ ये तुम्हारी है क्या? तो लकड़ारा बोला कि साहब ये तो मेरी नहीं है। फिर उस समुद्र का देवता जो पुनः पानी के अंदर उसने डुबकी लगाई, और दोबारा एक दूसरी कुलाड़ी ला करके उस लकड़ारे के सामने पेश की, वो चांदी की थी, पूछा ये तुम्हारी है क्या? लकड़ारा बोला नहीं श्रीमान, ये भी मेरी नहीं है। और क्या हुआ, अब समुद्र के देवता ने तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई, वरुण देवता ने,
और इस बार वो उसकी जो असल जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसको बाहर लेकर के आया और पूछा, ये तुम्हारी है क्या? लकड़ा रहा ईमानदार था, उसने बोला साहब यही मेरी है। अब हुआ क्या आगे बच्चों? ये हुआ कि समुद्र के देवता ने प्रसन्न होकर के उसे न केवल उसकी असल कुल्हाड़ी दी अपितु इनाम के रूप में उसे जो बाकी दो कुल्हाड़ियाँ सोने और चांदी की थी वो भी उसे दे दी। तो बच्चों उसे इनाम चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन उसने तो दे दी। इधर भी यही होता है कि जो आरोपी है उसको इनाम चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी मंशा उसकी इच्छा के कोई माने नहीं है, लेकिन राजा उसे जबरदस्ती क्या देता था? उसे एक सुंदरी इनाम के रूप में देता था। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरेना, माने राजा की अखाड़े के न्याय से किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं था। देयर वाज नो एस्केप, किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं था फ्रॉम द जजमेंट माने फैसले से ऑफ द किंग्स अरेना, माने राजा के अखाड़े के फैसले से किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं था। द इंस्टीट्यूशन वॉज अ पॉपुलर वन, द कस्टम वॉज अ पॉपुलर वन, माने ये प्रथा बहुत ही लोकप्रिय थी। When the people gathered together, यानी जब लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, on one of the trial days, यानी जब लोग या जब उसके प्रजाजन मुकदमे के यानी कि मुकदमे के दिनों में से किसी एक दिन जब सारे प्रजाजन एक जगह इकट्ठे होते थे, they never knew, वो कभी नहीं जान पाते थे whether they were to witness a bloody slaughter, वो इस बात को नहीं जान पाते थे कि थोड़ी देर बाद में वे खूनी नरसंहार के साक्षी बनने वाले हैं, और a festive wedding, या फिर वे किसी उत्सव भरे विवाह के साक्षी बनने वाले हैं, उन्हें स्वयं को पता नहीं रहता था। ये अचरज ये कौतूहल, ये जिज्ञासा, ये क्या करता था बच्चों? ये इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, माने अनिश्चितता का ये तत्व, दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी अर्थात कुतूहलता या अनिश्चितता का, असमंजसता का ये जो तत्व है, इट यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, यह इस ओकेजन अर्थात इस मौके को बच्चों और ज्यादा रोचक बना देता था देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, जितना कि अन्य किसी भी स्थिति में होता उससे भी ज्यादा ये मौका जो है और ज्यादा रोचक हो जाता था। किस कारण से? ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी असमानता के तत्व के कारण, द पीपल वर एंटरटेन्ड, लोगों का दिल बहल जाता था, एंड नो वन डाउटेड दैट, और किसी को ये शक भी नहीं होता था कि जस्टिस वॉज बींग सर्वड और जस्टिस वॉज बींग डन, किसी को ये संदेह भी नहीं होता था कि न्याय किया जा रहा है। बच्चों आप जानते हो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से किया हुआ न्याय अन्याय के बराबर है या न्याय न करने के बराबर है, लेकिन बच्चों यहाँ तो तुरंत न्याय हो रहा है, कितना गजब की न्याय की प्रणाली है इसकी। और बिलीव दैट, हर कोई इस बात में ये विश्वास करता था, और बिलीव दैट यानी सभी इस बात को मानते थे कि द अक्यूज्ड हिज फेट इन हिज ऑन हैंड्स, सभी इस बात को मानते थे कि आरोपी की किस्मत स्वयं उसी के हाथों में है, या यूँ कह सकते हैं कि आरोपी स्वयं अपनी भाग्य की नौका का कर्णधार है, उसे खुद को फैसला करना है कि उसे नहर चाहिए या फिर हम सफर चाहिए। तो बच्चों हमारी इस क्रम में बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, जन टीवी फ्री चैनल है। अगर आप जन नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जरा देखेंगे आप। तो बच्चों ये तो स्वयं उसी के हाथ में हैं, और बिलीव दैट सभी इस बात में विश्वास करते थे या सभी इस बात को मानते थे या सभी को इस बात पर यकीन था कि द अक्यूज हैड का मतलब बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म माने द अक्यूज्ड पजेस्ड हिज फेट इन हिज ऑन हैंड्स, अर्थात जो अक्यूज्ड है उसकी तकदीर स्वयं उसी के हाथों में थी। सभी लोग इस बात को मानते थे कि जो आरोपी है उसकी तकदीर स्वयं उसी के हाथों में हुआ करती थी। दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ स्टोरी, बच्चों ये स्टोरी का पार्ट वन था। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पार्ट टू, अब हम जो पार्ट टू यानी जो पार्ट दो है, भाग दो है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
ये बच्चों प्रेम का पाठ है ना, ये प्रेम का पाठ है। और ये प्रेम के बारे में बच्चों आपको समझाता है कि आगे क्या कहानी है। अब इसमें एक लव स्टोरी आपके सामने आने वाली है, देखेंगे बच्चों। द सेमी बारबेरिक किंग हैड ए डॉटर। अब समस्या ये थी, समस्या क्यों थी, ये तो नॉर्मल बात थी, लेकिन आज ये समस्या बनने वाली है। द सेमी बारबेरिक किंग माने वो जो अर्ध क्रूर राजा था। बच्चों जानते हो एक होता क्रूर, क्रूर का उल्टा होता अक्रूर। आप जानते हो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम अक्रूर था, एंड लॉर्ड कृष्णा सेंट अक्रूर। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि मथुरा से अक्रूर को कहाँ भेजा, वहाँ गोकुल या वृंदावन में भेजा कि गोपियों को जाकर के वो जो है समझा जाए और उनको बता जाए कि जो है भगवान कृष्ण से प्यार नहीं करना है। प्यार किससे करना है, प्यार ऐसे ईश्वर से करना है जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता, जो निराकार होता है, निर्गुण होता है, निरंजन होता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चों मैं ये समझा रहा हूँ, क्रूर का उल्टा क्रूर होता है, बीच वाला अर्ध क्रूर होता है। क्लियर हो गया। तो वह जो अर्ध क्रूर राजा था, ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, उसके एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, बेटी उसके एक काफी खूबसूरत बेटी थी, है ना बच्चों। ही शी हैड अ डॉटर एंड होम ही लव्ड डीपली, और जिसे वह अपने दिल की गहराई से प्यार करता था। एंड होम ही लव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, और जिसे वह अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था, अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था। शी वाज एज पैशनेट, और लड़की बच्चों पूरी पूरी बाप पर गई थी। जो लड़की थी, जो शहजादी थी, जो राजकुमारी थी, वह भी कम नहीं थी, वह भी अपने बाप के ऊपर गई थी, 100% अपने बाप पर गई थी। एंड शी वाज एज पैशनेट, और वह भी बच्चों उतनी ही भावावेश पूर्ण थी। पैशनेट का मतलब जज्बाती, शी वाज एज इमोशनल, वह भी उतनी ही जज्बाती थी। फैन शी फुल, और वह भी उसी प्रकार की बेतुकी कल्पना करने वाली कल्पनाशील लड़की थी। स्ट्रांग, और वह भी बच्चों वह भी उतनी ही क्या थी, महामना। आप जानते हो महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं, ऐसे वो भी महामना, अर्थात बहुत ही मजबूत मन वाली थी, उसका दिल बड़ा मजबूत था। एज हर फादर, एज हर, देखो एज 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 हर फादर का मतलब ये हुआ बच्चों, वह भी उतनी ही जज्बाती, वह भी उतनी ही कल्पनाशील, और वह भी उतनी ही मजबूत थी जितना कि जितने कौन थे, जितने उसके पिता थे। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, एंड शी वॉज फुल्ली डेडिकेटेड टू हिम, और वह पूरी तरह से अपने पिता के ऊपर क्या थी, समर्पित थी, या वह अपने पिता के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी, वह अपने पिता के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी। लेकिन बच्चों आप जानते हो एक लड़की कब तक अपने पिता के प्रति निष्ठावान रहेगी, एक समय तो ऐसा आएगा जब वो किसी और के प्रति निष्ठावान उसको होना ही पड़ेगा, लगता है वो समय आ गया है। एज इज द केस, जैसा कि होता है, एज इज द केस यानी जैसा कि अक्सर होता है इन मेनी फेरी टेल्स, यानी जैसा कि अक्सर अनेक परी कथाओं में होता है। पिक्चरें देखते हो बच्चों आप, पिक्चरों में भी ऐसा ही होता है ना, तो फिल्मों के अंदर भी ऐसा ही होता है, और जैसा कि अनेक परी कथाओं में ऐसा होता है। कैसा होता है, दिस डॉटर यानी ये बेटी, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, जो अपने पिता की आंख का तारा थी। शी वॉज इन लव विद अ यंग मैन, अर्थात वो एक नौजवान से क्या करती थी, वह अपने एक नौजवान को सैनी बोलना चाहिए, एक नौजवान से प्यार करती थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वो एक नौजवान को प्यार करती थी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को, जब आप कहते हो कि वह नौजवान से प्यार करती थी, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जब मैं आपको कहता हूँ कि आई राइट विद ए मार्कर, मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो मार्कर एक करण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो वह जिसको प्यार करती थी वह कर्म है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो करण या उपकरण नहीं है। इसलिए से बोलना तो बिल्कुल गलत है कि वह एक किससे प्यार करती थी, किसी नौजवान से प्यार करती थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वह किसी नौजवान को प्यार करती थी। और बच्चों ये बेटी, एंड दिस डॉटर, और ये बेटी द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, शी वॉज इन लव यानी शी हैड फॉलन इन लव विद अ यंग मैन, अर्थात वह एक नौजवान के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी, वह एक नौजवान के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। वॉज बिलो हर इन स्टेशन, जो बच्चों क्या था, जो प्रतिष्ठा की दृष्टि से उससे कमतर था, जो प्रतिष्ठा की दृष्टि से उससे कमतर था। ही वॉज अ कॉमनर, वो तो बच्चों मैंगोमैन था, मैंगोमैन का मतलब आम आदमी था, ठीक है। ही वॉज अ कॉमनर, कॉमनर का मतलब होता है कि वो एक आम आदमी था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, बच्चों को बहादुर भी था। हैंडसम का मतलब बहुत ही खूबसूरत सुंदर भी था। एंड डेयरिंग का मतलब होता है ही वॉज वेरी मच बोल्ड, वह बहुत हिम्मत वाला भी था। लेकिन ये बातें क्या मायने रखती है, कोई कितना खूबसूरत है, या कोई कितना बहादुर है, या कोई कितना बोल्ड है, लेकिन बच्चों वो राजा नहीं था, वो एक आम आदमी था, इसलिए उसके ये सारे गुण क्या हैं, ये उसके सारे गुण कोई मायने नहीं रखते थे, राजा की दृष्टि में उसके इन गुणों की कोई महत्ता नहीं थी।
एंड ही लव्ड द डॉटर एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर अर्थात ही लव्ड द किंग्स डॉटर और राजा की पुत्री अर्थात शहजादी से या शहजादी को इश्क करता था विद ऑल हिज बीइंग अंडरलाइन करो विद ऑल हिज बीइंग का मतलब प्राण पण से या जी जान से और वह अपने दिलो जान से और वह अपने दिलो जान से कुर्बान था वह अपने दिलो जान से बच्चों क्या था वह दिलो जान से उस शहजादी के ऊपर कुर्बान था द प्रिंसेस हैड एनफ बारबेरिज्म इन हर और बच्चों जो शहजादी थी उस शहजादी के अंदर भी बर्बरता पर्याप्त मात्रा में थी और उस शहजादी में भी पर्याप्त मात्रा में बर्बरता थी दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक और बच्चों उस शहजादी में भी इतनी अधिक बर्बरता थी कि उनका जो प्रेम प्रसंग था वो अत्यंत नाटकीय था उनका प्रेम प्रसंग अत्यंत नाटकीय था टू ड्रामेटिक का मतलब होता है बच्चों बेहद नाटकीय हद से भी ज्यादा नाटकीय था और बच्चों हद से भी ज्यादा नाटकीय था उनका प्रेम प्रसंग इट वॉज अ सीक्रेट फोर मंथ्स जानते हो बच्चों क्या हुआ एक कहावत है कि ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव का मतलब छुप छुप कर प्यार करने से खुल्लम खुल्ला गाली गलौज करना ज्यादा बेहतर है तो दरअसल हुआ बच्चों बात दरअसल ये है कि इनका जो गुप्त प्रेम था वो गुप्त प्रेम कई दिनों तक तो कई मतलब एक लंबे समय तक वह गुप्त बना ही रहा लेकिन बच्चों वो कब छिपता वो जो है इश्क और मुश्क कहते हैं छुपाए नहीं छुपते और स्थिति क्या आ गई है बच्चों स्थिति वही आ गई है जिसका हमें डर था और वो स्थिति क्या है जरा देखेंगे आप वो स्थिति बच्चों ये है कि देखो इट वॉज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स यानी कई महीनों तक तो ये राजी बना रहा बट देन द किंग फाउंड अबाउट बट देन परंतु फिर द किंग फाउंड आउट अबाउट इट यानी परंतु फिर क्या हुआ बच्चों फिर राजा को इसका पता चल गया ये प्यार ये इश्क ये कई महीनों तक तो क्या बना रहा एक राज बना रहा नोबडी न्यू अबाउट इट ये सब काम छुप छुप के हो रहा था लेकिन बच्चों दरअसल हुआ क्या कि एक न एक दिन तो सच्चाई को सामने आना ही था एंड एट लास्ट किंग फाउंड आउट अबाउट इट और राजा को इसके बारे में पता चल गया अब क्या होगा अब बच्चों वही होगा जिसे जिसका हमें डर है द किंग डिडंट हेजिटेट राजा नहीं हिचकिचाया फॉर अ मिनट यानी इवन फॉर ए मोमेंट राजा एक क्षण के लिए भी नहीं सकुचाया राजा ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन उसने उस नौजवान को उस नवयुवक को कहां भेज दिया उसने उस नवयुवक को बच्चों कारावास में भेज दिया जेल में भेज दिया एंड सेट एंड फिक्स्ड अ डेट फॉर हिज ट्रायल इन द अरेना और युद्ध स्थल में या अखाड़े में उसके मुकदमे की तारीख तय कर दी और युद्ध स्थल में या अखाड़े में उसके मुकदमे की तारीख तय कर दी व्हेन द डेट अराइव्ड और बच्चों जब वो तारीख आ गई और जब वो तारीख आ गई एवरी वन इन द किंगडम वॉन्टेड टू अटेंड यानी उस राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या चाहता था उस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस मुकदमे में उपस्थित होना चाहता था दे ऑल न्यू ऑफ द किंग्स इंटरेस्ट इन द केस वे सब इस मामले में राजा की जो रुचि है उसके बाबत जानते थे वे सब इस मामले में राजा की रुचि या राजा की दिलचस्पी के बाबत जानते थे एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एटमोसफियर और बच्चों पूरे माहौल में एक उत्तेजना थी पूरे माहौल में एक प्रकार का रोमांच था सब लोग जानना चाहते थे कि देखो क्या होने वाला है सब लोग जानते थे कि देखो क्या होने वाला है तो बच्चों दरअसल स्थिति यह है कि यह प्रेम की परीक्षा है यह प्रेम की परीक्षा है घनानंद अपनी कविता में लिखता है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धाउनो है यानी प्रेम का रास्ता इतना कठिन है कि इसके ऊपर चलना खांडे की धार के ऊपर चलने जैसा है प्रेम का रास्ता इतना कठिन है कि इसके ऊपर चलना खांडे की धार के ऊपर चलने जैसा है द किंग्स मैन सर्च्ड यानी राजा के लोगों ने क्या किया बच्चों ढूंढा द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फायर सेस यानी भयानकतम टाइगर इन द रिम इन द स्टेट इन द किंगडम अर्थात राजा के लोगों ने उस पूरे राज्य के अंदर जो भयानकतम नहर था या जो भयानकतम बाघ था उस बाघ को उन्होंने क्या किया बच्चों उसे उन्होंने ढूंढा दे ऑल्सो सर्च्ड फॉर द फेयरेस्ट मैडन इन द लैंड इन द किंगडम अर्थात उन्होंने और क्या किया उन्होंने बच्चों अपने साम्राज्य में या अपने साम्राज्य की जो सबसे सुंदर युवती है कुमारी सबसे सुंदर कुमारी है ना जो सबसे सुंदर वर्जिन कुमारी है उसको भी उन्होंने ढूंढा सो दैट ताकि ही वुड बी फिटिंग ब्राइड ताकि उसको एक उपयुक्त दुल्हन मिल सके इन केस उस स्थिति में ही वर फाउंड इनोसेंट अगर वह निर्दोष पाया जाए उस स्थिति में कि अगर वह निर्दोष पाया जाए तो उस स्थिति में उसको क्या मिल सके एक बहुत ही खूबसूरत या उसके उपयुक्त उसे दुल्हन मिल सके इसलिए उसके लिए उस राज्य की
सबसे ज्यादा सुंदर कुमारी लड़की को ढूंढा गया, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल एवरीवन न्यू दैट, बिल्कुल एवरीवन न्यू दैट यानी प्रत्येक आदमी इस बात को जानता था कि ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस, उसने शहजादी को प्यार करने का गुनाह किया था। हर कोई इस बात को जानता था कि उसने शहजादी को प्यार करने का गुनाह किया था, बट द किंग डिड नॉट लव द फैक्ट्स ऑफ द केस। लेकिन राजा ने बिल्कुल अनुमति नहीं दी कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं टू अल्टर हिज डिसीजन, टू चेंज हिज डिसीजन, यानी राजा ने इस केस या इस प्रकरण के तथ्यों को, लेकिन राजा ने इस प्रकरण के तथ्यों को अपने निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड, द ट्रायल वुड गो ऑन, इसका मतलब यह है कि मुकदमा तो चलना ही था एज प्लान्ड का, मतलब योजना अनुसार जैसा कि तय था, यानी मुकदमा तो योजना अनुसार चलना ही था। द यूथ वुड बी गॉन, द यूथ वुड बी गॉन, इसका मतलब युवक तो चला ही जाएगा, या तो बच्चों युवक तो मर जाएगा तो चला जाएगा, और अगर मान लो उसको कोई दूसरी लड़की मिल गई तो उससे शादी करके वो चला जाएगा, लेकिन राजा जो युवक है वो तो हर सूरत में चला ही जाएगा। द यूथ वुड बी गॉन यानी युवक तो चला ही जाएगा, नो मैटर चाहे जो भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंड चाहे जो भी हो, युवक तो चला ही जाएगा चाहे जो भी हो, ही वुड आइदर बी डेड या तो वह मार दिया जाएगा, और मैरिड या विवाह के लिए क्षणगार दिया जाएगा, या तो वह मार दिया जाएगा या विवाह के लिए क्षणगार दिया जाएगा। द किंग कुड इंजॉय द प्रोसीडिंग्स, द किंग कुड इंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, यानी राजा क्या करेगा, राजा तो बच्चों ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया है इसको अपना मनोरंजन मान करके या एक खेल समझ करके राजा तो इस पूरी न्याय प्रक्रिया का लुत्फ उठा ही लेगा। द किंग कुड इंजॉय यानी राजा तो क्या कर लेगा, राजा तो लुत्फ उठा ही लेगा, राजा तो आनंद उठा ही लेगा। द प्रोसीडिंग्स का मतलब तमाम न्याय प्रक्रिया का, फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट का मतलब होता है एक खेल मान करके, एक मनोरंजन मान करके राजा तो इस पूरी न्याय प्रक्रिया का लाभ उठा ही लेगा, और राजकुमार और जो लड़का है वो तो चला ही जाएगा, या तो वह मार दिया जाएगा या फिर शादी के लिए छणगार दिया जाएगा, पर दोनों ही सूरतों में वह तो चला ही जाएगा। द डे अराइव्ड यानी द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, अर्थात वो फिक्स दिन, वो जो तय दिन था वो तय दिन बच्चों आ गया। द पीपल वॉज स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अरेना, प्रजाजन या जो लोग बाग थे वो अखाड़े के प्रत्येक कोने के अंदर खड़ी हुई थी। द पीपल वॉज स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अरेना यानी लोग अखाड़े के प्रत्येक कोने में ठसाठस खड़े थे। ऑल वॉज रेडी माने एवरी थिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। When the moment came, जब नियत क्षण आया तो बच्चों सब कुछ तैयार था। ए सिग्नल वॉज गिवन, एक संकेत दिया गया। ए सिग्नल वॉज गिवन, राजा के द्वारा एक संकेत दिया गया। एंड द डोर ओपनड, और दरवाजा खुल गया। राजा के द्वारा क्या हुआ, एक संकेत दिया गया और दरवाजा खुल गया। अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर यानी शहजादी के आशिक को अंदर दाखिल होने की इजाज़त देते हुए, शहजादी के आशिक को अंदर दाखिल होने की इजाज़त देते हुए क्या हुआ बच्चों, एक दरवाज़ा खुल गया। द क्राउड गैस्प्ड का मतलब जो भीड़ थी उस भीड़ ने लंबी सांस खींची। टू वॉज हैंडसम, लड़के को देखा तो सब जोश पाकता हो गए, ऐसा खूबसूरत लड़का था वो, सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोगों के बीच में एक इतना खूबसूरत लड़का भी मौजूद था, लेकिन वो कभी भी उनकी नज़रों में नहीं आया था। तो द क्राउड गैस्प्ड यानी भीड़ ने लंबी सांस खींची। ही वॉज हैंडसम, वो बहुत खूबसूरत था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट यानी आधे दर्शक या आधे श्रोता ये नहीं जानते थे कि वन सो अट्रैक्टिव कि एक इतना आकर्षक व्यक्ति हैड लिव्ड अमंग देम, उनके मध्य निवास करता था। आधे श्रोता इस बात को नहीं जानते थे कि एक इतना खूबसूरत नवयुवक नौजवान उनके बीच में निवास करता था। नो वंडर दैट, और इस बात में कोई ताज्जुब नहीं था कि इतने खूबसूरत लड़के के ऊपर अगर राजकुमारी को प्यार आ गया और बेहद और बेहिसाब आ गया। कहने का मतलब बच्चों, इसमें कोई हैरान वाली बात या इसमें जो है हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने खूबसूरत व्यक्ति के ऊपर तो किसी का भी दिल आ सकता है, किसी को भी उस पर प्यार आ सकता है। तो नो वंडर दैट द प्रिंसेस लव्ड हिम, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि राजकुमारी उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई। हाउ ट्रीबल फॉर हिम टू बी देयर, और उस लड़के के लिए वहाँ मौजूद होना कितना भयानक था, और उस सुंदर लड़के के लिए वहाँ मौजूद होना कितना भयानक था, और उस सुंदर लड़के के लिए बच्चों वहाँ मौजूद होना कितना भयानक था। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से राजकुमारी ने दिन रात इस ट्रायल के बारे में सोचा था।
इस मुकदमे के बारे में राजकुमारी ने कई दिनों से दिन रात सोचा था. शी न्यू, वह जानती थी, शी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टेकल, वह जानती थी दैट शी कुडंट बियर टू मिस दैट सीन, उस दृश्य को, उस नज़ारे को चूकना वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. वह इस बात को जानती थी कि उस नज़ारे या उस दृश्य को अपनी नज़रों से चूक जाना वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. बट देयर वाज अनदर रीज़न फॉर हर बीइंग देयर, बट देयर वाज अनदर रीज़न फॉर हर प्रेजेंस देयर, परंतु उसकी यह मौजूदगी की एक दूसरी वजह, परंतु आज उसकी यह मौजूदगी की एक दूसरी वजह थी. शी हैड सच पावर, उसके पास ऐसी शक्ति थी, इन्फ्लुएंस, उसके पास ऐसा असर था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और उसके पास भी ऐसा चारित्रिक बल था, एज वेर इज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और बच्चों साथ ही साथ उसके पास एक प्रचुर मात्रा में सोना था. वह घूस दे करके, वह रिश्वत दे करके किसी भी द्वारपाल को खरीद सकती थी, और वह उस दरवाजे के पीछे के राज को जान सकती थी, और उसे तो जान नहीं था. अगर वो अपने आशिक को बचाना चाहती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो आए और धन के बल पर, चारित्रिक बल पर, या अपने असर या अपने पावर, किसी भी बल पर जो है उस दरवाजे के पीछे के राज को, राज का जो पता लगाए. दैट कि शी डिड, उसने वो कर दिखाया, वो नो वन हैड एवर डन बिफोर, जो आज से पहले कोई नहीं कर सका था. उस लड़की के पास में इतना पावर था, इतना इन्फ्लुएंस था, इतना फोर्स ऑफ करेक्टर था, और प्लेंटी ऑफ गॉड था बच्चों की, उसने उसके दम पर वह कर दिखाया जो उससे पहले आज तक कोई भी नहीं कर सका था. शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उस दिन के लिए उसने दरवाजों का राज जान लिया. उस दिन के लिए उसने दरवाजों का राज जान लिया. शी न्यू, वह जान गई दैट शी न्यू दैट, वह इस बात को जान गई, इन विच रूम स्टूड द एंग्री टाइगर, वह इस बात को जान गई कि कौन से प्रकोष्ठ में या कौन से चैम्बर में, कौन से कमरे में जो भूखा बाघ है वो खड़ा था, एंड इन विच वेटेड द लेडी, और कौन सा कमरा था जिसमें एक सुंदरी प्रतीक्षारत थी, और ऐसा कौन सा कमरा था जिसके अंदर एक सुंदरी प्रतीक्षारत थी. इस बात को, इस राज को जो है उस दिन के लिए वो जान गई. शी न्यू टू, वह यह भी जानती थी दैट कि द डोर्स वर सो थिक दैट, वह यह भी जानती थी कि दरवाजे इतने मोटे थे कि देर वॉज नो वे कि ऐसा कोई उपाय नहीं था that anyone could even hear some hint from behind them, कि कोई आदमी उनके पीछे से किसी हिंट को या किसी संकेत को सुन भी सके, कि कोई आदमी उन दरवाजों के पीछे से किसी संकेत को सुन भी सके, ये संभव नहीं था. वह जानती थी कि दरवाजे बहुत थिक थे, अर्थात दरवाजे बहुत मोटे थे. इफ शी वर गोइंग टू वॉर्न हर लवर, अगर वह अपने आशिक को सावचेत करने जा रही थी, अगर वह अपने आशिक को सावधान करने जा रही थी, शी वुड हैव टू डू इट बाई सिग्नल, तो उसे ये संकेत से ही करना होगा. तो बच्चों, उसे ये काम कैसे करना होगा, तो उसे ये काम हर सूरत में संकेत से ही करना होगा. शी ऑल्सो न्यू समथिंग, वह ऐसा भी कुछ जानती थी विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, जिसने इस पूरे प्रोसेस या सारी प्रक्रिया को और ज़्यादा जटिल बना दिया. शी न्यू दैट, वह इस बात को जानती थी कि द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन्स, कि वह जो लड़की थी वह सबसे ज़्यादा सुंदर सुकुमारियों में से एक थी, इन द होल कंट्री, यानी पूरे देश की सबसे अधिक सुंदर लड़कियों में से एक थी. एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन, और उसके प्रेमी युवक के, है ना, थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमन, और उसके प्रेमी युवक के इस स्त्री के साथ रहने के विचार नहीं उसे क्या किया बच्चों, एनरेज्ड हर, उसे आग बबूला कर दिया. शी हेटेड द लेडी, उसे उस औरत से या उस सुंदरी से उसे बेहद नफरत थी. एंड हेटेड, और उसे इतनी ज़्यादा नफरत थी. एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो सकता था हो जाए, परंतु उसे क्या था, उसे उस औरत से इतनी ज़्यादा नफरत थी. अब समस्या बच्चों ये आ गई है कि राजकुमारी अपने आशिक को उस नहार से बचाए या नहीं बचाए, क्योंकि अगर उसे बचाती है तो भी वो तो उसे नहीं मिलेगा. वो एक दूसरी सुंदर लड़की के साथ जीवन जिएगा जिससे कि वो नफरत भी करती है, और उससे उसे जो है सोतिया डा है उसके मन में, सोतेलापन है उसके मन में, ईर्ष्या है. और एक दूसरा सर्व संकट ये भी है कि अगर वो उसको बख्शिश नहीं करेगी तो बाघ आएगा और इतनी क्रूरता के साथ में उसके आशिक को जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा. शहजादी धर्म संकट में. अब बच्चों, आइए स्टोरी में क्या होगा ये बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. आज की बात यही समाप्त.